उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। सूचना के बाद डीएम और एसएसपी ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। ये हादसा बुलावटी NH-235 पर खुशहालपुर के पास हुआ, जहाँ श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 2 बच्चों समेत कुल 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु बुलंदशहर से केदारनाथ यात्रा पर जा रहे थे और एक ही परिवार के थे। हमारे 2 जो बच्चे खत्म हुए वो पोते हैं, जो लड़की खत्म हुई है वो भतीजी हमारी, और जो वो लड़का जो खत्म हुआ है एक मिक्कू भतीजों में लगता है, और दूसरा लड़का जो है वो बाहर का है, महारे भतीजे का साला है। ये समथिंग हादसा हुआ 4:20-22 के बीच में हुआ। वही हादसे की सूचना मिलते ही गुलावटी कोतवाली थाना इलाके की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।